व्हाट इज द फाइटर्स आदर्श। तो मेरे पास आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा न्यूज़ है, मगर उसमें एक कैच भी है, ठीक है। और हम नहीं चाहते जो हम सोच रहे वो सच में सच हो जाए, उसके लिए हम बताएंगे हम क्या सोच रहे हैं आपको बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों को आपका गुड न्यूज़ देते हैं कि हम लोग पास यहाँ फोरम में कुछ नोटिस आया हुआ है, जिसको अगर आप लोग चेकआउट नहीं किए हो, ठीक है, तो भाई अभी आप लोगों को मिला सरप्राइज़। हाँ, आप लोग यहाँ सही देख रहे हो, हम लोग के यहाँ रूबीज़ मिल रहे हैं। और देखो हम लोग के यहाँ कितने रूबीज़ मिल रहे हैं, ठीक है, तो जल्दी से खुल जाए। हम लोग के यहाँ मिल रहे हैं 7000 रूबीज़। कितना? 7000, 5000, 4000 का भीख नहीं मिल रहा है, 7000 रूबीज़ मिल रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि ये सभी लिमिटेड टाइमर के लिए होंगे। अब यहाँ टाइम का आइकन देख सकते हो, मगर यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि रूबीज़ आपको कैसे मिल रहे हैं। पहले दूसरे और तीसरे दिन आपको 500 रूबी मिलेंगे, उसके चौथे पाँचवें इन दोनों दिन पर आपको 1000 रूबीज़ मिलेंगे, उसके सिक्स डे पे 1500 रूबी, और आखिरी दिन पे यहाँ 2000 रूबी मिलने वाला है, ठीक है। अब हम बहुत बार देखा है ऐसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्लेयर्स लोग कि यहाँ पे 2000 बना हुआ है, यहाँ पे 2000 बना तो दो बार मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सेवेंथ डे को बस यहाँ हाईलाइट किया गया है। देखो दोनों में सेवेंथ डे ही मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को इन टोटल 7000 रुपीज़ मिल रहे हैं, और ये जो आखिरी का जो चीज़ है उसके लिए आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। हम देखें काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो इसलिए आप लोग पहले बता दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे कैच का जो बात कर रहे थे, और हाँ ये तो उसके ऊपर हम लोग आएंगे, एक सेकंड बस हमको और समय देना। मगर यहाँ पे हम लोग 7000 रुपीज़ यहाँ तो मिल ही रहे हैं, हम लोग पास यहाँ पे भी तो कूपन है। हाँ, कूपन तो है अभी भी हम लोग पास, जो हम लोग को यहाँ पर हम लोग को मेंशन किया गया है, जो हम लोग को बाद में मिलेगा, वो तो वहाँ पे भी हम लोग एटलीस्ट ये ना 3000 रुपीज़ तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, मतलब इन टोटल अगर यहाँ हम लोग को। और हाँ, ये डीजी भाई हम देखे बहुत लोग फैन है उसके, मगर क्यों है, ठीक है, खैर छोड़ो, हमको नीचे कमेंट होता ना कि इतना क्यों उसका फॉलोइंग है, कि हम कुछ मिस कर रहे हैं क्या। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग पास कूपन भी, मतलब हम लोग के यहाँ 3000 रुपीज़ तो एटलीस्ट मिलने चाहिए, ज़्यादा मिल जाए दैट विल बी ग्रेट, दैट विल बी ऑसम। मगर अगर हम लोग 3000 को ही मान के चलते तो हम लोग पास एटलीस्ट 10000 रुपीज़ हम लोग को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जेनरसिटी है हम लोग का नेट मार्बल का, कि भाई कोलैब के लिए हम लोग को इतने सारे रुपीज़ मिल रहे हैं, 10000 रुपीज़। मगर अब बात कर लेते हैं कैच का, ठीक है। हम लोग का ऐसे फ्री में रुपीज़ अधिकतर कब मिलते हैं, एक बार सोच के बताओ हमको, कब हम लोग का ऐसे रुपीज़ मिलते हैं, ध्यान में आया नहीं आया, कितनों का आ भी गया होगा अभी। ये ऐसे रुपीज़ हम लोग को BS और SS बैनर के आने से पहले मिलते हैं, तो यहाँ पे कोलैब के साथ BS या नहीं BS बैनर तो नहीं आएगा। और अगर ऐसा होता है तो BS बैनर गया बाढ़ में, ठीक है, मतलब नहीं आएगा, नहीं आएगा, हम पूरा श्योर है कि नहीं आना चाहिए। मगर अगर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा नोटिस किया कि जब भी हम लोग का BS या SS बैनर आता है तभी हम लोग को उस तरह से फ्री रुपीज़ मिलते हैं, ठीक। तो अगर गाइस अगर BS बैनर आता है, ठीक है, हम पता नहीं क्या सोचे, मेरे दिमाग में आ गया, मगर आप लोगों को ज़रूर बताना, ठीक है, कि क्या होने वाला है, कि BS बैनर आएगा कि BS बैनर नहीं आएगा। और हमको अगर आप लोग बैट करने के बोलते हैं तो हम 97.37% श्योर हैं कि कोई भी BS बैनर नहीं आने वाला है, ठीक है, आना ही नहीं चाहिए, हमको नहीं पता आने वाला है कि नहीं, वो हमको पता नहीं, मगर नहीं आना चाहिए, ठीक, हम बस इतना ही बोलेंगे। और अगर आता है बाई चांस, ठीक है, मतलब हम लोग की किस्मत बहुत ख़राब रहा, चलो आ ही जाता है, तो आप लोगों के हिसाब से कौन आएंगे हम लोग के BS बैनर में, हमको ये ज़रूर बताना गाइस, बस हमको अब आप लोगों का थॉट जानना कि BS बैनर अगर आ जाता है जिस हिसाब से हम लोग रुपीज मिल रहे हैं उसके हिसाब से, तो आप लोगों को कैसा लगेगा। क्योंकि वहाँ पे हम लोग पास कोलैब वाले कोई कैरेक्टर का हम लोग का वहाँ फ़ोटो भी मेंशन नहीं किया गया है, तो बहुत समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं। तो यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को हम देना चाहते थे। और फिलहाल अभी तो कुछ अपडेट तो आया नहीं हम लोग पास कुछ नया, बस इतना है कि 3PGs कहीं लीक हुए हैं, हम TBR का कम्युनिटी पोस्ट में देखे तो उसमें हम लोग मालूम पड़ रहा है कि गिल्टी गियर XRD रेव 2 में जो लोगों का इंस्टा किल था वो उन लोगों का 3PG कार्ड होने वाले हैं।
तो अब आप लोगों को ज़रूर बताएं कि आप लोग उनको देखना चाहते हो कि हम उसके ऊपर रिएक्ट करें या फिर हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं, हमको नीचे ज़रूर कमेंट करना गाइस। और हमको बस इतना तो पता ही है, एक सेकंड, ये ना बहुत बड़ा लहसुन है, हाँ हमको पता था। इन लोगों ने इतना ओवर पावर्ड नहीं होना चाहिए यार, मतलब ना पूरा फन जो गेम का, मरना बस मरा। एच पी देख रहे हो गाइस कहाँ पे है, 0.7 बस लिया सेट ना हो। चलो यहाँ पे लियोना खत्म बस जीत गए हम लोग। हाँ तो हम कहाँ थे गाइस, कि हम बस इतना ही बोल रहे कि कोलैब के साथ कोई BSSL बैनर नहीं आए, ठीक है ना, तो बहुत बेकार हो जाएगा। और दूसरा चीज़ ये कि उन लोगों का जो 3PG है, क्या आप लोग उसको देखना चाहोगे, होपफुली जो होने वाला है, क्योंकि अपना वीडियो में हम एक चीज़ छोटा सा मिस्टेक कर दिए, मतलब वो तो स्पेकुलेशन ही था, हम एजम्पशन लेके चले थे, हम तो आप लोगों को वीडियो में ही बोले थे कि हम लोग कोलैब गिल्टी गियर स्ट्राइव के साथ होने वाला है, आइकन तो उसी का था, अब हमको लगा गिल्टी गियर स्ट्राइव नया है तो इसलिए हम आप लोगों को बोल दिए। तो अगर आप लोगों को लगता है हम आप लोगों को झूठ बोले फिर मिस इन्फॉर्म किए तो उसके लिए आई एम सॉरी, मगर गिल्टी गियर XRD रेफ 2 के साथ हो रहा है और उसमें का जो 3PG हम लोग पास आने वाला है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो कि वहाँ पर से हम लोग कैसे कैसे 3PG मिलने वाले हैं, हमको नीचे जरूर कमेंट्स बताना गाइस। और हाँ चलो अब गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, गुड बाय। हाँ अगर आप लोग को ये वाला मैच देखना है तो हम आप लोगों को दिखा देते हैं, चलो देखो मैच इंजॉय कर लो। あんたじゃ燃えねえな。 You win!